और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जोधपुर रेल मंडल जो ट्रेन हादसा हुआ है पाली में, सूर्य नगरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें अपडेट सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे GM घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जोधपुर रेल मंडल में ट्रेन हादसा ये हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि 11 डब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए थे और इसी को लेकर अब रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने इस को प्रमुखता से इस पूरे मामले को देखा है और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और रेल मंडल में ये जो हादसा हुआ है जोधपुर रेल मंडल में इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। पाली में सूर्य नगरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि पाली से बांद्रा जोधपुर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12430 सूर्य नगरी एक्सप्रेस आज सुबह 3:27 पर पटरी से उतर गई थी। इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कई यात्री घायल हुए। घायलों को पाली के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमाद्रा रेलखंड में इसके 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के समय ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। दौड़ती ट्रेन के पटरी से उतरने पर यात्री घबरा गए। हादसे के कारणों को अभी तक नहीं जांचा जा सका है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे नियंत्रण कक्ष से लेकर जोन मुख्यालय जयपुर तक अधिकारी सक्रिय हो गए। पाली जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचना मिली और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वे सूचना के बाद तत्काल जोधपुर से दुर्घटना राहत गाड़ी रवाना कर दी गई। ट्रेन पटरी से उतरने के बाद पाली और जोधपुर के यात्रियों के लिए घटनास्थल पर बसें वहां पर मंगवाई गई थी और यात्रियों को रवाना किया गया। कई यात्री पाली की ओर पैदल भी जाते दिखे। आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन और पाली मारवाड़ स्टेशन होकर जाने वाली ट्रेनों को मार्ग वहां पर बदला गया था और इसके अलावा रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। सूर्य नगरी एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर के बीच रास्ते में 15 स्टेशनों पर ठहरती है और ये ट्रेन 935 किलोमीटर का सफर करने में 15 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। जैसे गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से निकली और 5 मिनट के अंदर मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद 5 मिनट के बाद में B4 का जो मैं जहाँ पे जिस डब्बे में था वो एकदम वाइब्रेट हुआ, घड़घड़ाहट हुई और जैसे ही सब लोग सोए थे सब जन हम लोग भी उठ गए, सब मालूम पड़ा। और फिर जैसे ही 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी रुक गई, फिर हम लोग सब जन नीचे उतरा, देखा तो पीछे के जो हमारे स्लीपर के डब्बे थे उसमें से 6 डब्बे जो पटरी थी, पटरी से कम 60 से 70 फुट दूर जाके गिर गए और जिसमें मुझे पूरी झाड़ियों में गिर गए, तो उल्टे हो गए, तो उनका इंजन जो था वो ऊपर की साइड आ गया और डब्बे जो थे वो नीचे की साइड में एकदम चले गए। तो लोगों ने जो जितने भी पैसेंजर थे वो इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ी, इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ने के बाद में सब ऊपर आए तो बहुत से, तो फिर हम लोग भी वहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों के हेल्प की, बाहर निकाला, जो मेरे साथ भी जो एक जो ज़्यादा सीरियस है जो एक ये अपना खान भाई करके उनको मैं ये एम्बुलेंस में लेकर आया और यहाँ पे बंगड़ा अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। फिर 15-20 मिनट के बाद में बहुत सारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी आ गई, प्रशासन भी आ गया और सब जन आ गए और ये सब ये घटना मेरे हिसाब से 3:05 या 10 मिनट ये मारवाड़ जंक्शन से जैसे ही निकली ना वहाँ से 5-10 मिनट के बाद ही कोयम्बटूर हिसार से आए हैं और हमको जोधपुर जाना है आ रही हो। लेकिन वो गाड़ी यहाँ 4 बजे आ गई थी, बिफोर टाइम आ गई थी और 5 बजे बताया कि आप यहाँ उतरी है, आपको रोडवेज आ रही है, आपको लेके जाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन हम वहाँ 6:30 बजे तक वहाँ खड़े थे, कोई गाड़ी नहीं आई, फिर टैक्सी पकड़ के हम यहाँ मारवाड़ जंक्शन का जो बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड है यहाँ पे हम आए हैं। लेकिन उन्होंने बताया 7 बजे बस आएगी, एक बस आई है लेकिन वो फुल थी। अब यहाँ पर कम से कम 200 लोग खड़े हैं, टैक्सी वाले बोलते हमारा बुकिंग हो चुका है लेकिन हम अभी तक खड़े हैं, जा नहीं पा रहे हैं।